कोट कोट नमन, सभी गुरु भाइयों को हमारा जय गुरु। दादाजी, जो बाणी सत्यानुसार में ठाकुर जी ने कहा है, उसका जो मैं अर्थ समझा हूं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मानव योनि मिलती है, यानी अच्छे कर्मों के बाद यह मानव योनि मिली। और यह भी वर्णित किया गया है कि मानव योनि मिलने के बाद सत्संग कब मिलता है। आपके जब अच्छे कर्म मिलते हैं तो सत्संग मिलता है, और आगे बढ़िए, जब सत्संग मिलता है तब हमको नाम का आधार मिलता है। तो परमदयाल ठाकुर जी का जो नाम का आधार हम लोगों को मिला है, हम लोगों को उस पर अहंकार करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा प्रेम परम दयाल से है वह प्रेम सही प्रेम है, सत्य प्रेम है। जो हम प्रेम नश्वर चीजों से करते हैं, हमारे पास बंगला है, गाड़ी है, खेत है, ये सब चीजें हैं, ये भौतिक जो चीजें हैं ये नश्वर हैं। और आदमी जब यहां मृत्यु प्राप्त करता है तो नश्वर चीजें नहीं रहती हैं, ये प्रभु के प्रेम की सीढ़ी में जितना कदम वो आगे बढ़ा रहता है, फिर उसी कदम पर उसका जन्म होता है, ताकि प्रभु के आत्म साक्षात्कार करते हुए प्रभु में विलीन हो जाए। इसीलिए मानव तन मिलता है आदमी को, मानव तन अपने को जानने के लिए मिलता है। जब स्वयं अपने को आदमी तभी जानेगा जब कोई ऐसा परम पुरुष प्राप्त हो। तो हम लोग, ठाकुर जी का कहना है कि हमें अपनी चीजों पर अहंकार नहीं करना है, हमको परम पिता परमेश्वर मिला है, इसका अहंकार हमको मिला है। सबरी थी, सबरी को यह अहंकार था कि हमारे प्रभु हमको अवश्य दर्शन देंगे, उसको यह अहंकार नहीं था कि मैं इतना ताकतवर हूं कि रामचंद्र जी आएंगे, नहीं, प्रभु पर अहंकार था कि प्रभु हमारे परम दयालु हैं और किसी की भी इच्छा को वह अवश्य पूरी करते हैं। यदि हमारी यह इच्छा है कि हमसे मिलने श्री रामचंद्र जी आएंगे तो वह अवश्य आएंगे। तो यहां पर जो चीजें हम लोग ठाकुर जी के लिए करते हैं, ठाकुर जी पे केंद्र होकर करते हैं, या ठाकुर जी को साक्षी मान के करते हैं, या ठाकुर जी के लिए करते हैं, वास्तव में हम ठाकुर जी के लिए करते हैं, अंत में हम उन्हीं का एक अंश हैं, जीवात्मा का ही एक अंश जीव होता है, तो वह अपने लिए स्वयमेव हो जाता है। और जो चीज हम अपने लिए करते हैं वह अपने लिए कतई नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास जो चीजें हैं, हमारा भौतिक जगत से जो प्रेम है वह नश्वर है, केवल ठाकुर जी से जो प्रेम है वह हमारा प्रेम शाश्वत और सत्य है। तो हमको इसलिए अहंकार करना चाहिए कि हमें ठाकुर जी का नाम मिला है, इतने लोगों में हम श्रेष्ठ हैं कि ठाकुर जी ने हमको चयन किया है और उनकी कृपा हमारे ऊपर हुई, उसमें हमारा कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं था, प्रभु ने हमारे ऊपर कृपा करके हमको अपना नाम दिया है, इसलिए हम भाग्यशाली हैं और इसलिए हमें अपने परम दयाल ठाकुर पर अभिमान करना चाहिए। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर दादा, आपने इतनी सुंदर तरीके से समझाया। मैं दीपंकर, समय का बहुत अभाव है, मैं चाहूंगा दो शब्द आप रखें, दीपंकर मंडल। दादा जय गुरु। जय गुरु। ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी दादा एवं माताओं को जय गुरु। मैं ये जानता हूँ कि आई एम ए प्राउड मैन इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि मुझे परमपिता मिला है और मैं परमपिता के संतान हूँ। और एक चीज ये है, दुनिया में अगर कोई चीज किसी को देता है तो वो कहता है देखो इन्होंने हमें ये चीज दिया है, हमें घर दिया है, ये दिया है, लेकिन मैं ये कहूंगा सबसे पहले प्रभु ने हमें मानव रूप दिया है, और इस मानव रूप मैं एक माँ के रूप में गर्भ में धारण किया और उस माँ को हमें मिला, हमें पिता मिला, हमें संसार के आनंद वैभव और सुख शांति सब कुछ मिला एकमात्र परम पिता की दया से। तो हमारा ये प्राउड होना तो जायज एवं स्वाभाविक है कि जिन्होंने हमें सब कुछ दिया तो मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो वो परमपिता के चरणों में मैं अपना कोटि कोटि श्रद्धा सुमान अर्पित करना चाहता हूँ। मैं यहीं पे अपने बात को विराम देता हूँ। जय गुरु दादा। कीर्ति दा जय गुरु।
अब मैं अंत में टाइम है। श्री